या जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है, लेकिन इस बीमारी से रिलेटेड एक कॉमन बात और है कि ज़्यादातर लोगों को समय रहते पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें या उनके फैमिली में किसी मेंबर को पीलिया या जॉन्डिस हो गया है। इससे नुकसान क्या होता है कि वो जो डेली डाइट में जो चीज़ें खाते हैं वही खाते रह जाते हैं और इससे पीलिया बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो पीलिया के समय में बेसिकली क्या खाना चाहिए ये बहुत कम लोगों को पता होता है। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है कि पुराने आयुर्वेदिक नेचुरल तरीके से बीमारियों को का इलाज करके उन्हें जड़ से ख़त्म कर सकें। और ये मैं आपसे रेगुलर बेसिस पे इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि बीमारियों से घबराने की जगह बीमारियों का सही इलाज आप कर सकें। तो आज मैं आपको पीलिया के समय क्या क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और किस तरह से खाने से वो आपके शरीर में काम करता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। हर उम्र के हिसाब से बता रही हूँ कि कितना चीज़ किस चीज़ को कितनी मात्रा में लेना, मतलब बेसिकली पीलिया के समय के फूड्स जो होते हैं वो बता रही हूँ, या इसे आप ये समझिए कि मैं आपको पीलिया का इलाज बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पीलिया के बारे में ताकि आप इसे समझ सकें। क्या होता है RBC, रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे शरीर में होते हैं, इनकी लाइफ होती है 120 दिन, यानी इनकी लाइफ की ड्यूरेशन होती है 120 दिन। ये होता है लाल रंग का, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगते हैं। ऐसे में जब ये जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं तो शरीर में एक नई चीज़ की एंट्री हो जाती है, वो होती है बिल्गुरिन। ये जो होता है ये एक पीला रंग का पदार्थ होता है और ये रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करने लगता है और धीरे 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 आपका या आपके फैमिली मेम्बर में जिसको भी पीलिया हो रहा है उसका शरीर पीला दिखने लगता है और इसीलिए इसे कहते हैं पीलिया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है बिल्गुरिन क्या होता है, बिल्गुरिन टेस्ट कैसे कराते हैं, उसका रेंज कैसे पता करें, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जॉन्डिस या पीलिया के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए और किस तरह से खानी चाहिए। सबसे पहले पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि घर में रोज़ एक कच्चा पपीता ज़रूर आए। जिन लोगों के घर में किसी को पीलिया या जॉन्डिस नहीं है उन्हें भी महीने में 3 से 5 दिन तक ये काम कर लेना चाहिए। कच्चा पपीता लाएं, कच्चे पपीते में जो दूध होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इसको ख़त्म करने में, ये जो पीला पदार्थ होता है ना बिल्गुरिन इसको ख़त्म करने में और RBC को बढ़ाने में। तो कच्चे पपीते को छिलका सहित काट लीजिए और उसे मिक्सी के जार में पेस्ट बना लीजिए। कोशिश करिए कि वो जो उसका दूध है ना उसे भी साथ में पेस्ट बना लीजिए। अब जब पेस्ट बन गया कच्चे पपीते का तो उसको खाएंगे कैसे, तो उसके लिए आपको 1 गिलास पानी में उस पेस्ट का 3 चम्मच लेना है और उसमें ग्लूकोज, चीनी या शहद, जो भी चीज़ों का फ्लेवर आपको पसंद हो उसे मिला के पी लें। अगर आपको मीठा फ्लेवर नहीं पसंद है तो उसमें नमक, काली मिर्च और नींबू मिला करके पीजिए, बिल्कुल छाछ वाला टेस्ट आएगा इसमें। और ये आपको 1 दिन में 3 बार पीना है किसी भी एज ग्रुप के लिए, लेकिन अगर छोटे बच्चों को पिला रहे हैं तो 1 दिन में 1 ग्लास पीना है। कन्फर्म, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होगा किसी भी तरह का तो आप मुझसे मैसेज में कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब दूसरा उपचार क्या है, दूसरा उपचार है गाजर। गाजर का जो जूस होता है, गाजर का सूप, गाजर का काढ़ा, ये तीनों ही चीज़ें यूरोप जैसी कंट्रीज में भी ना पीलिया के इलाज में यूज़ की जाती हैं। तो गाजर का सूप बनाइए, बॉयल करके, छान करके, नींबू, नमक, काली मिर्च डाल के पीजिए। गाजर का जूस बनाइए, यानी कि डायरेक्ट उसका जूस निकाल करके उसमें ग्लूकोज मिला करके या नींबू, नमक, काली मिर्च डाल करके 3 बार पीजिए या फिर गाजर का काढ़ा बना लीजिए। इससे रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तीसरा, मूली और मूली के पत्ते को मिला करके उसकी सब्जी बनाइए, साग बनाइए, जूस निकालिए, किसी भी तरह से उसे उसका सेवन डेली बेसिस पे कर लीजिए। 5 दिन तक तो इसे ज़रूर करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे तेज़ी से इलाज करता है, पपीता और मूली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है पीलिया और जॉन्डिस के इलाज के लिए और पीलिया और जॉन्डिस को फर्दर फ्यूचर में आपके शरीर में एंट्री नहीं कर देने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा एक और उपाय है जिसको आयुर्वेदिक बहुत सराहता है, वो है चना दाल। चने दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दीजिए। 5 से 6 चम्मच चना दाल 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, धुल करके भिगोइएगा। इसके बाद इसे छान लीजिए और उस चना दाल को गुड़ के साथ खाइए। 1 दिन में 3 बार खाइए उसे और बच्चों को भी खिलाइए। और उस पानी को फेंकिए नहीं, जब भी प्यास लगे
तो कोशिश करिए कि वही पानी पीजिए। ये जो होता है ये आरबीसी को बढ़ाए ना भले, लेकिन बिलबुरिन को कम करने का काम बहुत तेज़ी से करता है, यानी कि वो जो पीला पदार्थ होता है उसको आपके शरीर से एग्जिट कराता है, ताकि आपके शरीर का पीलापन दूर हो जाए। मतलब चना का दाल पीला होता है, लेकिन उसको उसका काम होता है शरीर से आपके पीली चीज़ों को निकालना। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको पीलिया से रिलेटेड सारी चीज़ों का उपाय बताया था, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, सराहा, समझा और उसको अप्लाई किया। वो पीलिया का इलाज था, ये भी पीलिया का इलाज है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि पीलिया के दौरान क्या खाना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपसे शेयर किया है कि पीलिया के दौरान इन चीज़ों का खाना बहुत ज़रूरी है। बादाम, छुहारा, छोटी इलायची, चने का दाल, मूली, गाजर, आंवला अगर मिल जाए तो, शहद, ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे खाना चाहिए। और इस लिस्ट को मैं भी नोट डाउन करके रखूँगी, ताकि कभी भी गलती ना हो किसी से भी कि वो इसे ना खाए और इसकी जगह कुछ और खा ले। प्याज, लहसुन, दही, ये तीन चीज़ें ज़रूर खानी हैं। प्याज, लहसुन, दही, मूली, गाजर, पपीता, चना का दाल, शहद, बादाम, छुहारा, छोटी इलायची, आंवला। हमने कितनी चीज़ें बनाई बताएं, इतनी सारी चीज़ें बता दी, अभी दो और बच रही है। अब मैं उसको लिस्ट में देख लूँ ताकि मुझे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये है लौकी और गन्ना। तो जो अवेलेबल हो इन चीज़ों को ज़रूर खाइए, जो इन चीज़ों में से इस लिस्ट में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसे ज़रूर खाइए। और जिन लोगों को पीलिया जॉन्डिस नहीं, वो भी डेली बेसिस पे नहीं, तो महीने में कुछ दिन तो इसे ज़रूर खाएं, क्योंकि ये क्या करता है ना, वो जो बेसिक कारण मैंने बताया आरबीसी और बिलबुरिन वाला, उसको बैलेंस करता है। तो आपकी डाइट ही जो होती है ना, वो ही आपके बीमारियों के पीछे का कारण और निवारण दोनों ही होता है, तो इसे फॉलो करिए। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रह गई होंगी तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दूँ। पीलिया से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने शेयर की है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे ज़रूर देखिएगा और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो उसे देख करके समझिएगा और उसे अप्लाई करिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।